हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने वीडियो के टॉपिक को जानते हैं और फिर जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों अगर हम बात करें पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के स्कूल्स के लिए एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल के आ रही है। तो क्या है वो बड़ी अपडेट, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखिए दोस्तों, ये एक अपडेट निकल के आ रही है, कृष्ण कुमार दे कीते कमां दे आउण लगे नतीजे। स्वच्छ विद्यालय सर्वे 2022 मोहाली के 8 चोटी के स्कूलों 6 सरकारी। तो क्या है जी पूरी खबर, अब हम वो भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने स्वच्छ विद्यालय सर्वे साहिबजादा अजीत सिंह नगर के जिले के 8 स्कूलों सहूलत पक्षों मुढ़ली कतार शुमार होंदे हन। वेरव्या अनुसार इस स्वच्छ विद्यार्थी विद्यालय सर्वे 2022 एडिड एफिलेटिड और केंद्रीय स्कूलों ने हिस्सा लिया, जिन्हों भारत सरकार के मनुखी स्रोत मंत्रालय वालों जारी 6 तरह के मापदंड चैक किया गया। वड्डी गल यह है कि जिले के वड्डियां वड्डियां इमारतों वालों निजी स्कूलों नाल सरकारी स्कूलों का वड्डा मुकाबला सी। उपरोक्त 8 स्कूलों चों 6 स्कूल सरकारी ने। सो दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि स्वच्छ विद्यालय जो पुरस्कार है उसमें से मोहाली के 8 स्कूल में से 6 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। सो दोस्तों, यही एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी। सो हमने सोचा आपके साथ उसे शेयर किया जाए। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज शेयर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।